देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को सुबह सुबह मलपुरा में पथराव करने व खेड़ाघर में रेपटली उखाड़ने का जैसी घटनाएं सामने आई। इसको लेकर आगरा एसएसपी ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह गलत है। उस जिस वीडियो में को दिखाया जा रहा है उस वीडियो को गलत बताया, क्योंकि मलपुरा में सिर्फ पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में जब युवकों को भगाया गया तो जाते वक्त एक युवक ने गाड़ी में शीशे को तोड़ दिया, जिस वजह से उसका कांच टूट गया और एक ही पत्थर फिका, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही पत्थर फेंका गया। लेकिन पथराव जैसी घटना आगरा में कहीं भी नहीं हुई, जबकि वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मलपुरा में युवाओं ने अग्निपथ स्कीम को लेकर पथराव किया। देखिए, जैसा वो वीडियो दिखाया गया वो वैसा है नहीं। करीब 30-35 लड़के वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सीओ साहब ने उन्हें समझा के वहाँ से हटा दिया था, और भागते समय जाते समय किसी एक लड़के ने एक पत्थर फेंका था जो एक गाड़ी में लगा था। पथराव जैसी कोई वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है और पूरी तरह शांति है। कहीं इस समय पूरे जनपद में कहीं कोई अग्निपथ का कोई धरना प्रदर्शन इस समय नहीं है। सर, कल जो लड़के गिरफ्तार हुए थे क्या उनमें मुकदमे भी लगेंगे? देखिए, जो लड़के गिरफ्तार हुए सब पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। उनसे पूछा गया वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की नहीं तैयारी कर रहे हैं। उन लड़कों से बातचीत करी, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, क्योंकि कोई वो ऐसे लोग नहीं, सभी पढ़ने लिखने कैरियर बर्बाद हम उनका नहीं करना चाहते। उनके पेरेंट्स को बुलवाया गया है, उनके पेरेंट्स को बुलवाकर उनके सपोर्ट किया जाएगा, उनसे लिख के लिया जाएगा कि ये इस टाइप की हरकत फिर ना करें।